हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है? डिफाइन सीक्रेट की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी कि सीक्रेट की के नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसे भी दे रखा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तब भी आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग द सीक्रेट कीज ऑल्सो, या फिर डिफाइन पब्लिक की, और जहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जिक्र नहीं किया गया तब भी आपको यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सो लेट्स कवर, कम टू द टूडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द मीन ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनक्रिप्शन प्ले अ वेरी ग्रेटर एंड सिग्निफिकेंट रोल टू अचीव द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पस की अगर मैं बात करूँ किसी भी बिजनेस में, और मैं ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करूँ, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिजनेस पर्सन के लिए। क्योंकि हर पर्सन यही चाहता है कि अगर कोई भी बिजनेस वो ऑनलाइन प्रोसीड कर रहा है तो कोई भी उसके साथ मिसलीडिंग ना हो, कोई भी उसका डेटा लीक ना हो। तो उसके लिए क्या है, कुछ सिक्योरिटीज प्रोविजंस भी अप्लाई किए जाते हैं ताकि बेटर तरीके से हम ऑनलाइन बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर सकें और बेटर तरीके से आज के टाइम के हिसाब से बिजनेस को रन कर सकें। ठीक है, सो सिक्योरिटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इज यूज टू डिफाइन इंफॉर्मेशन एट इज ट्रेवल। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग की बात करें, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन प्रोसीड हो रही है, अब उस इंफॉर्मेशन को कौन कौन उस इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन वो इन्फॉर्म किस किस के लिए, किस पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ कहाँ तक, कौन सी आपकी पार्टीज हैं जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो, और जिनको आप नहीं पहुंचाना चाहते या फिर जिनसे आप उस इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हो, तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओरिजिनल मैसेज दैट इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओरिजिनल मैसेज को एक टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट में, इंटू कोडेड मैसेज। किस में? कोडेड मैसेजेस में, जिसको हम साइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या करा, उस मैसेज को कोडेड टेक्स्ट में चेंज कर दिया, जिसको साइपर टेक्स्ट कहते हैं। द डेटा ट्रेवल थ्रू द इंटरनेट एज साइपर टेक्स्ट विच एन इंटरसेप्टर में नॉट बी एबल टू रीड। ठीक है, अब उसको रीड करने के लिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। द इंटेंडेड रिसीवर्स रिसीव द साइपर टेक्स्ट, जैसे कि कोई भी मैसेज मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में आया, ठीक है, साइपर टेक्स्ट में आया, अब मैं रिसीवर हूँ, रिसीवर रिसीव द साइपर टेक्स्ट दैट इज इन कोडेड फॉर्म, और वो कोडेड फॉर्म में मैंने रिसीव किया है, और मैं इसको क्या करूँगा, फिर डिक्रिप्ट करूँगा, यानी कि इनक्रिप्ट मैसेज मेरे पास आया है जिसको साइपर टेक्स्ट बोल रहे हैं, और उसको मैं डिक्रिप्ट करूँगा। सो देयरफॉर डिक्रिप्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एनक्रिप्शन एज इट इज कंसर्न विद द कन्वर्टिंग साइपर टेक्स्ट टू द रीडेबल प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, साइपर टेक्स्ट को रीडेबल प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना डिक्रिप्शन कहलाता है, और सिंपल मैसेज को कोडेड मैसेज में चेंज करना एनक्रिप्शन कहलाता है। सो दे आर टू कैटेगरीज, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, सीक्रेट की एनक्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। सीक्रेट की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन द सेम की इज यूज बाय द बोथ पार्टी। द सेंडर यूज द की एंड द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम टू एनक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, सेंडर क्या करता है, सेंडर यूज करता है इस की को और डेटा को एनक्रिप्ट करता है। द रिसीवर यूज द सेम की, उसी सेम की को रिसीवर यूज करके एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में चेंज करता है। ठीक है, सो द रिसीवर्स यूज द सेम की एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिदम टू द एन डिक्रिप्ट द डेटा। इन द सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन द एल्गोरिदम यूज फॉर डिक्रिप्शन इज इनवर्स ऑफ द एल्गोरिदम यूज फॉर एनक्रिप्शन। दिस मीन्स दैट इफ द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन
द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन. सीक्रेट कीज एनक्रिप्शन एल्गोरिदम आर ऑफन रेफर्ड एज द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम बिकॉज द सेम सीक्रेट की कैन बी यूज इन बीडी रिएक्शनल्स कम्युनिकेशंस. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सीक्रेट की एल्गोरिदम्स आर एफिशिएंट. दीज एल्गोरिदम टेक लेस टाइम टू एनक्रिप्ट द मैसेज देन पब्लिक की एल्गोरिदम. द कॉज इज दैट द की इज यूजली स्मॉलर, दैट इज वाई एल्गोरिदम आर यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द लॉन्ग मैसेजेस. ठीक है, पब्लिक की एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. पब्लिक की एनक्रिप्शन देयर आर टू कीज, प्राइवेट और पब्लिक. प्राइवेट की इज कैप टू रिसीवर. प्राइवेट की किसके पास होती है? रिसीवर्स के पास होती है. द पब्लिक की इज अनाउंस टू पब्लिक, और पब्लिक की पब्लिक को अनाउंस की जाती है. ठीक है, डेटा एनक्रिप्टेड विद योर पब्लिक की कैन बी डिक्रिप्टेड विद प्राइवेट की. डेटा आप एनक्रिप्ट करोगे अपनी पब्लिक की से और उसको डिक्रिप्ट किया जाता है जो भी आपके पास प्राइवेट कीज होती है उसके थ्रू. ठीक है, फॉलोइंग फिगर, एक फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. फिगर ये है, ठीक है, नीचे पब्लिक की प्राइवेट की इस तरीके से. द फिगर शो अब लेट्स यू फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट अ पब्लिक की एंड ओनली यू विल बी एबल टू रीड इनक्रिप्टेड यूजिंग दिस बाय द प्राइवेट की. ठीक है, पब्लिक की सबके पास है, डेटा को हमने क्या करा, चेंज कर दिया, लेकिन कोडेड साइपर टेक्स्ट को रीडेबल टेक्स्ट में चेंज केवल वही रिसीवर्स कर सकते हैं जिनके पास प्राइवेट की है. ठीक है, सो इन जर्नल टू सेंड एनक्रिप्टेड डेटा टू सम वन यू एनक्रिप्ट द डेटा विद पर्सनल पब्लिक की एंड पर्सन रिसीविंग द एनक्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की. इन पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन द पब्लिक की दैट इज यूज टू एनक्रिप्ट द एल्गोरिदम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट की दैट इज यूज टू डिक्रिप्ट द एल्गोरिदम. द पब्लिक की इज अवेलेबल टू द पब्लिक, प्राइवेट की इज कैप्ड बाय द ईच इंडिविजुअल. ठीक है, तो ये था आज का प्रोसेस जो कि रिलेटेड था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है, यहाँ पे मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कम्युनिकेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप ऑनलाइन प्रोसीड कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, सो यू हैव टू यूज द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस ऑल्सो, सो यू कैन हाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिसलीडर्स. ओके, और जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वहीं तक आप इंफॉर्मेशन को प्रोसीड कर सकते हो. तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज के बारे में. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट टॉपिक्स में कई बार रिपीट किया गया है शॉर्ट नोट्स में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. कोई डाउट कोई क्वेरी तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक. एक तो हमने डिजिटल सिग्नेचर पहले कवर कर लिया है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. डिजिटल सिग्नेचर एंड थ्री एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें मैंने इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेप्यूटेशन के बारे में डिस्कशन किया था, इसको नोट डाउन कर लीजिए. और एक क्वेश्चन फायरवॉल से रिलेटेड भी आएगा. फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट दैट कलेक्टिवली फॉर्म अ बैरियर बिटवीन टू नेटवर्क्स. दो नेटवर्क के बीच जो बैरियर फॉर्म किया जाता है उसको फायरवॉल कहते हैं. अ फायरवॉल इज सिंपली अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस होती है दैट फिल्टर द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करती है थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन इनटू योर प्राइवेट नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम.
ठीक है, जैसे कि कोई प्राइवेट नेटवर्क है और कंप्यूटर सिस्टम है तो उनके बीच फायरवॉल इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगी। इफ़ एन इनकमिंग पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लैगड बाय द फिल्टर इट इज़ नॉट अलाउड थ्रू, तो ये अलाउ नहीं होगा सिस्टम में। फायरवॉल वर्किंग इज सिमिलर टू दैट द सिक्योरिटी गार्ड, एक तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करता है फायरवॉल भी। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड सिटिंग एट अ गेट एट कैन अलाउ आर डिनाई एक्सेस टू द फायरवॉल वेयर दे कैन दे आर एग्जामिन एंड ऑडिटेड, पहले वो क्या करेगा एग्जामिन करेगा ऑडिट करेगा। तो सेम वही प्रोसेस होता है, टू एसेस द सिस्टम्स टू अलाउ ओनली द ऑथराइज यूजर्स, ऑथराइज यूजर्स ही उसको क्या करेंगे यूज करेंगे। टेक्निकली सेइंग फायरवॉल इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज सर्व अ सिक्योरिटी वॉल बिटवीन द कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इट विजिटर्स। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू कीप द इंट्रूडर्स आउट ऑफ नेटवर्क। इनफैक्ट फायरवॉल प्रूव इनकमिंग पैकेट्स एंड डिटरमाइन एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्ट एंड डिनाई अनसेफ कनेक्शंस एंड अलाउ सेफ कनेक्शंस फॉर एंट्रेंस। ठीक है, तो ये फायरवॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया। और एग्जाम में क्वेश्चंस और कई बार पूछा गया है जो कि है बेसिक इंटरनेट मार्केटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, सर्च इंजन है, डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है, ईमेल है, इंटरेक्टिव साइट्स होती हैं, बैनर्स होते हैं और चैन लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए और इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये टॉपिक हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये पढ़िए समझिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।